हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बंस यानी कि पाव बनाएंगे। घर में ही हम बाजार जैसा सॉफ्ट और टेस्टी बना सकते हैं। देखिए मैं बताऊंगी किस तरह से घर में हम सॉफ्ट और टेस्टी बन बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा ये बना है, बिल्कुल बाजार जैसा। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, मैं बताऊंगी किस तरह से इन्हें हम सॉफ्ट बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 कप मैदा लेंगे। मैं अब 1 टेबल स्पून ईस्ट डाल रही हूँ, 1 टीस्पून हम शुगर डालेंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। अब हम इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने 1 कप लुक वार्म मिल्क लिया है, इसे हम धीरे धीरे डालेंगे। इसी तरह मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा सा और मिल्क ऐड करेंगे हम इसमें। हम इस प्रोसेस को इसी तरह रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमारा जो आटा है एक डो की फॉर्म में तैयार नहीं हो जाए। इसी तरह हम मिल्क ऐड करते रहेंगे और इसे अच्छे से इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। देखिए हमारा अभी ये डो हो गया है मिक्स। अब हम इसे एक प्लेन प्लेस पे निकाल लेंगे और अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। बटर डाल के हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है कि जो हमने बटर डाला वो अच्छे से इस आटे में मिक्स हो जाए। इसमें थोड़ा मैदा ऐड करेंगे और इसे फिर हम इसी तरह से नीड करेंगे। हमें इसे 10 to 15 मिनट्स के लिए नीड करना है और हमें अपनी हथेलियों से इसी तरह से गूंदना है। हमारा डो अगर अच्छे से नीड होगा तो हमारे बंस बहुत अच्छे बनेंगे, काफ़ी फ्लफी बनेंगे। तो इसे हमें अच्छे से गूंदना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारा डो रेडी हो गया है। अभी मेरी फिंगर्स नज़र आ रही हैं, ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, इट मीन्स ये हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम इसे इसी तरह से रोल करेंगे। अब हम इसे एक बॉल में ऑयल डाल के ग्रीस करेंगे और रेस्ट के लिए हम इसे रख देंगे। स्मिश और हम ट्रांसपेरेंट शीट लगाएंगे, इसे इसी तरह कवर करके हम इसे फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। इसे हमें 3 से 4 घंटे के लिए रखना है किसी गर्म प्लेस पे। देखिए कितने अच्छे से हमारा ये डो फूल रहा है। हमारा डो ऑलमोस्ट हो गया है, काफ़ी अच्छे से बना है। अब हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे, इसमें बेकिंग शीट लगा के हम इसे साइड में रख देंगे। अब हमारा डो भी रेडी हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक अब हम इन्हें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से हम काट लेंगे और इस डो से हम 10 से 12 बंस बना सकते हैं। मैंने मीडियम साइज के बंस बना रही हूँ।
देखिए हमने कट कर लिया है। अब हमें दोनों हाथों की हेल्प से हमें इसे इस तरह से रोल करना है। इस तरह से हमें इसे राउंड शेप देनी है। अब हम इस प्रोसेस को इसी तरह रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारे सारे बंस रेडी ना हो जाएं। देखिए हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें ओवल शेप देंगे। अगर आप राउंड शेप में रखना चाहते हैं तो आप इसी तरह आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो ओवल शेप में हम इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे। हो गया अभी हमारे ये। अब हम इसे बेकिंग ट्रे में रख देंगे इन सबको, और हमें हाफ एन आवर के लिए इन्हें रेस्ट करना है। इसी तरह हम कवर करके अब रख देंगे हम। अभी हाफ एन आवर हो गया है, अभी हमारे थोड़े बंस फूलने लगे हैं। अब हम अवन को प्रीहीट करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे, और अब हम इन बंस पे थोड़ा सा मिल्क ब्रश करेंगे। अच्छे से लगा लेंगे हम इनके ऊपर मिल्क, इससे कलर बहुत अच्छा आता है जब हम बेक कर लेते हैं। चलिए बेक करते हैं। अब अभी अब मैंने इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे बेकिंग के लिए रखा है, और ये 10 टू 15 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारे बेक हो गए हैं सारे बंस। अब हम इन्हें गीले कपड़े से कवर कर देंगे, और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनते हैं अगर हम गीला कपड़ा यूज करेंगे तो। देखिए हो गया है 15 मिनट्स। अब हम इन्हें सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बने हैं। बिल्कुल बाजार जैसे। देखिए कितना सॉफ्ट भी बना है, इसका टेक्सचर भी कितना अच्छे से आया है। अब हम इन्हें सर्व कर सकते हैं पाव भाजी के साथ, जैसा भी आप खाना चाहें। इनसे आप बर्गर बना सकते हैं, या पाव भाजी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। टेक केयर, बाय।